आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं यूपी स्पेशल की सारी क्लास, जीरो से लेकर के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का मेरा आपसे वादा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपी ट्रिपल एससी के या यूपी के अंतर्गत आने वाले सभी एग्जाम की, तो आपको पता है यूपी स्पेशल के बिना काम होना नहीं है। सिर्फ यूपी पीसीएस में 10 प्रश्न आ जाते हैं यूपी स्पेशल के, तो आपको मैं जीरो से लेकर के कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं अब यूपी स्पेशल की। सिर्फ दो ही काम आपको करने हैं, एक तो किसी भी एग्जाम को यूपी का देने जाइए, बस इस प्लेलिस्ट को रट के जाइए, पहला काम। और दूसरा सबसे ज़रूरी काम, जब प्लेलिस्ट को आप रट ले तो टॉपर्स कोड पर नई टेस्ट सीरीज मैंने शुरू कर रखी है। कौन सी? यूपी स्पेशल टेस्ट सीरीज। यूपी पी सी एस, आर ओ ए आर ओ, बी ई ओ, यहाँ तक कि यूपी के हर एग्ज़ाम के लिए वो टेस्ट सीरीज़ है। आपको 2024 से लेकर के अगले जितने भी साल का करंट अफेयर्स है, मंथली वाइज यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स मैं उस पर डालूंगा। यूपी से संबंधित सारे फ्री में नोट्स उसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको मिलेंगे, ठीक। नोट्स फ्री में है, टेस्ट सीरीज चूँकि फ्री में नहीं हो सकती इसलिए वो पेड है। ये मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या है, 10 सालों में पूछे गए जितने भी यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं सारे प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ है, तो उसको आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये गारंटी है 90% प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे। सिर्फ एक टेस्ट सीरीज से 90% प्रश्न मिलेंगे और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ शॉर्टेस्ट ट्रिक। किस चीज़ की शॉर्टेस्ट ट्रिक है? इस चीज़ की कि उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ प्रवेश करती हैं ना, उन सबकी शॉर्टेस्ट ट्रिक। तो कौन कौन से रास्ते से यूपी में नदियां प्रवेश करती हैं, इसकी एक जबरदस्त ट्रिक है और ये एग्जाम में आता ज़रूर है। तो पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं कि गंगा बिच यमन शहर, याद रखिएगा ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हर नदी को याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक याद है तो एक प्रश्न तो ज़रूर सही हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो ट्रिक क्या है? गंगा बिच यमन शहर गंडक महाराम बिच, गंगा बिच यमन शहर गंडक महाराम बिच, सार भीत सिंध अरे चंब आग बेत लले, सार भीत सिंध अरे चंब आग बेत लले, केन बंद सोन सोन टोटी प्रयाग बिच। सिंपल सा ट्रिक, तीन लाइनों का ये ट्रिक है। क्या? गंगा बिच यमन शहर गंडक महाराज महाराम बिच, सार भीत सिंध अरे अंब आग बेत लले, ठीक। और लास्ट लाइन क्या होती है? केन बंद सोन सोन टोटी प्रयाग बिच। सिंपल सा, आप देखिए वन बाई वन, गंगा को जब आप एंट्रेंस देखेंगे यानी उत्तर प्रदेश में नदियां किस रास्ते से एंट्री करती हैं, तो देखिए ये यूपी का एंट्रेंस पॉइंट है, दिख रहा है ना सबको, ये यूपी का एंट्रेंस पॉइंट है। तो गंगा निकलती है गोमुख से जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, जब वहां से निकलती है तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। तो सबसे पहला गंगा बिच का मतलब गंगा बिजनौर से एंट्री करती है। यमुना यमन शहर, गंगा बिच यमन शहर यानी यमुना नदी कहाँ से एंट्री करती होगी? यमुना नदी भी इसका जो उद्गम है वो उत्तराखंड में है, लेकिन यूपी में एंट्री करती है ये कहाँ से? सहारनपुर से। तो बोला गंगा बिच, गंगा बिजनौर से, यमन शहर माने यमुना सहारनपुर से, गंडक महाराम बिच, गंडक महाराम बिच का मतलब होता है जो गंडक नदी है वो महाराजगंज से निकलती है, मतलब महाराजगंज से गंडक नदी यूपी के अंतर्गत प्रवेश करती है। याद रखिए गंडक नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? महाराजगंज से। ये दिख रहा है आपको महाराजगंज कॉर्नर का इलाका, देखिए। उसके बाद राम बिच, गंडक महाराजगंज, फिर राम बिच, मतलब राम गंगा नदी कहाँ से होती है? वो भी बिजनौर से। तो दो नदियां बिजनौर से एंट्री करती हैं, एक गंगा और दूसरी राम गंगा, याद रखिएगा। गंगा और राम गंगा दोनों नदियां कहां से एंट्री करती हैं यूपी में? बिजनौर से, ठीक है ना। अगला सार भीत सिंध अरे, सार भीत मतलब शारदा नदी पीलीभीत से एंट्री करती है, मतलब शारदा नदी का जो एंट्रेंस है वो कहां पे है? ये देखिए शारदा नदी कहां से एंट्री कर रही है यूपी में? पीलीभीत से। तो सार भीत सिंध अरे, सिंध का मतलब औरैया से सिंध नदी एंट्री करती है, ठीक है ना। औरैया से कौन सी नदी एंट्री करती है? सिंध नदी एंट्री करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगला आ जाइए चंब आग बेत लले, अचंब का मतलब चंबल नदी कहां से एंट्री करती है यूपी में? तो चंबल नदी आगरा से, ये देख रहे हैं आप, चंबल नदी कहां से एंट्री कर रही है? आगरा से यूपी में एंटर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 बार यूपी पीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है ना। तो चंब आग बेत लले, बेतवा नदी कहां से करेगी? ललितपुर से। बेत मतलब बेतवा, लले का मतलब ललितपुर से। अब ललितपुर कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है, देखिए ललितपुर से बेतवा नदी ऐसे एंट्री करती है और मिल जाती है यमुना में, फिर आगे चल के यमुना मिलती है गंगा में प्रयागराज में, ठीक है ना। तो चंब आग बेत लले। फिर आ जाइए केन बंद, केन नदी किस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू यूपी में इंटर करती है? बहुत ज़रूरी है, केन का मतलब ये बांदा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है ना, ये केन नदी यहाँ से इंटर करती है और किस में मिलती है? यमुना नदी में। तो केन नदी बांदा डिस्ट्रिक्ट, केन बंद, ठीक है ना।
केन नदी कहाँ से एंट्री करती है? बांदा डिस्ट्रिक्ट से, सोन सोन, तो सोन नदी कहाँ से एंट्री करेगी? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से। देखिए ये है सोन नदी, दिख रही ना? सोन नदी कौन से डिस्ट्रिक्ट से यूपी में एंटर करती है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से। और टोटी प्रयाग विच, टोंस नदी कहाँ पे आती है? तो टोंस नदी प्रयाग में है। कहाँ पे है टोंस नदी? प्रयाग नदी, प्रयागराज में है, ठीक है ना, एंट्री करती है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रयागराज का बॉर्डर किससे मैच कर रहा है। देखिए ये टोंस नदी इधर से आके मिल जाती है, तो प्रयागराज का बॉर्डर एमपी से मैच करता है। तो एक बार फिर से शॉर्टेस्ट ट्रिक, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं गारंटी तो नहीं, आप खुद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या इससे अच्छा आपको मिल सकता है, और इसमें से एक प्रश्न ज़रूर आएगा। तो शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? गंगा ब्रिज का मतलब गंगा बिजनौर से, यमन शहर का मतलब यमुना सहारनपुर से, गंडक महाराजगंज से, और राम गंगा बिजनौर से। फिर सार भीत का मतलब शारदा पीलीभीत से, सिंध अरे जो सिंध नदी है वो औरैया से, चंब का मतलब चंबल आगरा से एंट्री करती है, और बेतवा ललितपुर से एंट्री करती है, केन बांदा से, और सोन सोनभद्र से, टोंटी का मतलब टोंस नदी प्रयागराज से। इतनी हैं शॉर्टेस्ट ट्रिक जो नदियां इंटर करती हैं यूपी में इतने डिस्ट्रिक्ट से। मैंने मैप के माध्यम से आपको समझा दिया, और ये गारंटी है कि आपको यहां से एक प्रश्न ज़रूर दिख जाएगा। अब जैसे ये पूरा हो तो आपकी जिम्मेदारी है टॉपर्स कोर्ट पे जाएं और वहां से तत्काल टेस्ट को अटेम्प्ट ज़रूर करें, ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ले लीजिए।